IPL 2024 से पहले चेन्नई की फ्रेंचाइजी ने आने वाले सीजन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है और CSK फ्रेंचाइजी आने वाले ऑक्शन 2024 में 3 खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है, जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे वाह वाह क्या बात है। और हम बात करेंगे फुल डिटेल में आखिर इन खिलाड़ियों में आखिर ऐसी क्या बात है कि चेन्नई वाले इन्हें अपनी फ्रेंचाइजी से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन भैया अगर आप भी कट्टर CSK वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। IPL 2024 में हम सबकी फेवरेट टीम चेन्नई पूरी तरह बदलने वाले हैं, क्योंकि चेन्नई वाले ज्यादातर खिलाड़ियों को रिलीज करने वाले हैं और आने वाले सीजन 2024 में आपको चेन्नई की टीम में 3 नए खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि दोस्तों चेन्नई की टीम इन 3 खिलाड़ियों को टारगेट करके अपनी बैटिंग और बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहेगी, जिसमें खतरनाक जानदार शानदार धमाकेदार घातक गेंदबाज का नाम भी शामिल है, जिस पर सभी IPL की फ्रेंचाइजी लड़ने को भी तैयार है। आखिर वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं जिन्हें CSK फ्रेंचाइजी ऑक्शन 2024 में टारगेट करने की तैयारी में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो पहला नाम ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का सामने निकल कर आया है, जो कि राजस्थान की टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों MS धोनी के साथ राइजिंग पुणे सुपर जायंट की कप्तानी भी करते हुए नजर आ चुके हैं और स्टीव स्मिथ IPL 2024 में उपलब्ध रहने वाले हैं और CSK फ्रेंचाइजी से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को ऑक्शन 2024 में टारगेट कर सकती है, जिससे CSK फ्रेंचाइजी को 2 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। पहला बड़ा फायदा ये होगा कि अंबाती राडू की कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों चेन्नई का कमजोर मिडिल ऑर्डर भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्टीव स्मिथ नंबर 4 पर शानदार बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं, जो कि अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरते हैं। और स्टीव स्मिथ काफी भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए कप्तानी भी कर चुके हैं और स्टीव स्मिथ चेन्नई के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। जबकि दूसरा टारगेट प्लेयर CSK फ्रेंचाइजी डेनियल सैम्स को भी कर सकती है, जो कि वर्तमान में मुंबई इंडियंस का हिस्सा है और मुंबई इंडियंस डेनियल सैम्स को रिलीज कर सकती है। ऐसे में चेन्नई के पास सुनहरा अवसर है कि डेनियल सैम्स को अपनी फ्रेंचाइजी से जोड़ा जाए, जिन्होंने BBL सीजन में भी शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा डेनियल सैम TSK फ्रेंचाइजी के लिए भी खेल चुके हैं, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी का भी हुनर दिखाया था और CSK फ्रेंचाइजी आने वाले ऑक्शन 2024 में डेनियल सैम्स को टारगेट कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों CSK फ्रेंचाइजी ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाज पैट कमिंस को भी शामिल करने की तैयारी में है, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं और पैट कमिंस IPL 2023 को मिस कर चुके हैं और चेन्नई की फ्रेंचाइजी ऑक्शन 2024 में पैट कमिंस को भी टारगेट कर सकती है, जो कि चेन्नई की टीम के लिए घातक गेंदबाज के अलावा बेहतरीन फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। CSK फ्रेंचाइजी इस घातक गेंदबाज पर करोड़ों रुपए लुटा सकती है। लेकिन आपके हिसाब से आगामी ऑक्शन 2024 में CSK को किन खिलाड़ियों को टारगेट करना चाहिए, नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हां, जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।